राहगीरों को लूटकर भाग रहे लुटेरों को पुलिस ने पीछा कर ट्रक ड्राइवर की मदद से दो लुटेरों को पकड़ा। लुटेरों के पास से दो चोरी के मोबाइल, मोटरसाइकिल और एक चाकू बरामद। दिल्ली के अक्सर चैन स्नैचिंग और लूट की वारदात सुनने को मिलती रहती है और इस तरह की वारदात शाम से लेकर देर रात तक ज़्यादा होती हैं। इस तरह के मामले में कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं और कई बार फरार हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला हुआ साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जमरूदपुर के पास। एक बेकरी में काम करने वाला युवक देर रात लगभग 12:30 बजे बेकरी से निकलकर ब्लू वेल स्कूल के पास ऑटो के लिए रुका था। तभी दो बाइक सवार हेलमेट पहने हुए आए और रुमाल से युवक के चेहरे को ढक दिया। युवक थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। तभी दोनों अपराधियों ने युवक का मोबाइल और पर्स लूट कर भाग गए। थोड़ी ही देर में जब युवक होश में आया तो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी पेट्रोलिंग पर घूम रहे ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक के बताए वारदात को सुनकर तुरंत ही उस दिशा में पीछा करने लगे जिधर अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। पेट्रोलिंग स्टाफ इस बीच वारदात की घटना थाने के और स्टाफों को सूचित कर दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही जीके थाना के SHO अजीत कुमार ने SI जितेंद्र विनोद, ASI हंसराज, हेड कांस्टेबल सत्वीर और नरपाल को तुरंत भेजा। लगातार पीछा करते रहे, अपराधी भागे जा रहे थे। तभी उसी सड़क पर एक ट्रक खड़ी थी जिसके ड्राइवर ने देखा कि अपराधी भाग रहे हैं और पुलिस पीछा कर रही है, तो उसने बाइक पर पीछे बैठे अपराधी को पकड़ लिया और तभी पीछे से पुलिस आकर अपने कब्जे में ले लिया। इतने में बाइक सवार अपराधी भाग निकला लेकिन पुलिस उसका भी पीछा करती रही और नेहरू पैलेस के पास उस अपराधी को भी पकड़ लिया। साउथ दिल्ली के DCP चंदन चौधरी ने इन दोनों अपराधियों का नाम सुरेश और दानिश बताया है। साथ ही दोनों अपराधियों की पहले से कई मामलों में अलग अलग थानों में मामला दर्ज होने की बात कही है। उन्होंने इस लूट के वारदात में शामिल सभी पुलिस वालों को शाबाशी दी और उनको रिवॉर्ड देने के लिए रिकमेंड किया है। रात का रॉबरी का मामला है जी, ग्रेटर कैलाश का क्या है पूरा मामला? रात में 12:50 पे एक PCR कॉल आई थी कि ब्लू बेल स्कूल के पास दो मोटरसाइकिल सवार ने पैसे छीनने की कोशिश की है, मोबाइल छीनने की कोशिश की है। इसके बाद बड़ी प्रॉम्प्टली GK पुलिस स्टेशन के हमारे स्टाफ ने हेड कांस्टेबल सतवीर और हेड कांस्टेबल नरपाल, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एक ट्रक ड्राइवर भी है शमशेर अली, उसने भी बड़ा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया। इसमें पब्लिक का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पिलियन राइडर को पकड़ लिया। पिलियन राइडर को पकड़ने के बाद हमारे स्टाफ ने चेज किया क्योंकि जो आगे मोटरसाइकिल सवार जो चला रहा था वो मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो गया, तो इसको चेज करके हमने नेहरू प्लेस पे अप्रीहेंड किया और इनके पोजेशन से दो मोबाइल फोन्स रिकवर किए। जो इनकी बाइक थी वो रिकवर हुई और एक इनके पास चाकू भी था जो बरामद हुआ। एक मोबाइल फोन तो कल रात में जो विक्टिम था उसका ही है, दूसरा मोबाइल फोन उसको अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, दोनों आरोपी क्या करते हैं? क्या इसी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं, कुछ और करते हैं? ये दोनों आरोपियों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी रही हैं। एक आरोपी इनमें से जिसका नाम दानिश है, इसकी 5 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं, 2 संगम विहार थाने की, 1 तिगरी की और 1 साकेत की। इसकी जो लास्ट इन्वॉल्वमेंट थी वो साकेत थाने की थी 2022 की। दूसरा आरोपी सुरेश, इसकी 7 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। 2 वारदात इसने ओखला में की है, 1 गोविंदपुरी, 2 कालकाजी, 1 CR पार्क और 1 नेबसराय की। पिछली जो इसकी इन्वॉल्वमेंट थी वो 2020 की थी, रॉबरी की ओखला पुलिस स्टेशन। ठीक है।